नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। शाम को 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है 8 PM न्यूज बुलेटिन के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। अपने इस खास सेशन में हम बीते सप्ताह की उन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी को मालूम है कि संघ लोक सेवा आयोग ने IAS 2021 की परीक्षा के लिए तिथियों को घोषित कर दिया है। ऐसे में अब से सिर्फ 8 माह का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है। सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही लिहाज से सामान्य अध्ययन एक बड़ी चुनौती होता है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए श्रेष्ठ व अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट में IAS टारगेट ऑनलाइन बैच 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए इस बैच की अवधि 8 महीने होगी। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता को भी विकसित करते हैं, ताकि बेहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन को तैयार किया जा सके। आलोक सर के कुशल निर्देशन में 1125 घंटे की कक्षा सटीक रणनीति के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की टीम एक मंच पर बहुत ही न्यूनतम शुल्क में। हमारे कक्षा कार्यक्रम में प्रारंभिक परीक्षा के तहत सामान्य अध्ययन एवं सीसेट और मुख्य परीक्षा के तहत सामान्य अध्ययन एवं निबंध शामिल है। यहाँ आपको मिलेगा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज, सभी टॉपिक अंतर विषयक समझ के साथ मुख्य परीक्षा के लिए, लाइव कक्षाएं, एनिमेशन और पावर पॉइंट तकनीक के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग हस्तलिखित एवं सारगर्भित नोट्स, सीसेट की कक्षाओं का संपूर्ण कार्यक्रम, लेखन शैली के लिए विशेषीकृत सत्र, अखिल भारतीय स्तर पर टेस्ट सीरीज सुविधाएँ। तो ज्वाइन करिए आलोक सर के कुशल निर्देशन में IAS टारगेट ऑनलाइन बैच। हमारे कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 18 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दी है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना है। इसके चौथे दौर में यह फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद पूर्वोत्तर भारत, पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस किया जा सकेगा। आपको बता दें कि उड़ान योजना के तहत चुनिंदा विमान कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि ये ऐसे हवाई अड्डों से परिचालन कर सकें जहां यात्रियों की संख्या कम है और वे किफ़ायती हवाई किराया भी निर्धारित कर सकें। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उड़ान 4.0 शुरू होने के लिए तैयार है। अभी अतिरिक्त 7 मार्गों को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही स्वीकृत मार्गों की संख्या बढ़कर 766 हो गई। उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के भी कुछ रूट्स को शामिल किया गया है। उड़ान योजना के तहत प्रतिवर्ष तकरीबन 26.5 लाख सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी और अधिकतम किराया 2500 रुपये प्रति घंटे होगा। गौरतलब है कि देश के दूरदराज इलाकों और क्षेत्रीय इलाकों तक बेहतर संपर्क बनाने और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जून 2016 में उड़ान योजना को लॉन्च किया गया था। इस संदर्भ में उड्डयन मंत्रालय ने जारी अपने एक बयान में कहा कि गुवाहाटी से तेजू, रूपसी, तेजपुर, पासीघाट, मीसा और शिलांग के मार्गों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में संपर्क को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। साल 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास रिजनवेल्ड को दिया गया। रिजनवेल्ड यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक हैं। मारिके लुकास को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। यह पुस्तक ग्रामीण नीदरलैंड के एक बेहद कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है। इस पुस्तक को पहली बार डच भाषा में साल 2018 में प्रकाशित किया गया।
बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हो और वह पुस्तक ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से भिन्न है। इसका लक्ष्य विश्व भर में अधिक और अच्छे उपन्यास को बढ़ावा देना है जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड की इनामी राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में निवास कर रहे जनजातीय समुदाय की पहचान बनाए रखने के लिए संविधान की 6वीं अनुसूची में संशोधन करने संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। यद्यपि संघ की कार्यकारी शक्तियां 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के प्रशासन तक विस्तारित हैं, लेकिन 6वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत आता है और राज्यपाल को जिले के सीमा के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का नाम परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष भारत में 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात और महान खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इस दिन विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्रमुख हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का आयोजन पहली बार राष्ट्रपति भवन में न होकर ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल करने को कहा। दरअसल 23 अगस्त को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि सभी योग्य दिव्यांगजनों को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इसमें परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो चने की दाल मुफ्त दिया जाता है। 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के मोर्चे पर करदाताओं को बड़ी राहत दी। दरअसल इस राहत में वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाली GST छूट का दायरा 2 गुना कर दिया है। पहले कारोबारियों को 20 लाख रुपए पर GST छूट मिला करती थी, लेकिन अब वह राशि बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान प्रभावित कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग 2 गुना हो गया है। इतना ही नहीं, जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, वे कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे कारोबारियों को केवल 1% की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अब आवासीय सेक्टर सहित निर्माण क्षेत्र को 5% के टैक्स स्लैब के तहत रखा जाएगा। सस्ते मकानों पर GST अब 1% रह गई है। आने वाले अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड के बिक्री की अनुमति दे दी है। चुनावी बॉन्ड अधिकतम 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुड़कों में जारी किया जाने वाला राजनीतिक दलों को दान देने की एक वित्तीय व्यवस्था है। ऐसे किसी बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत बैंक बनाया गया। ऐसा कोई बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के दिए गए खाते में प्रतिदेय होता है। यह खाता धारक के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दरअसल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A कहता है कि अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और हालिया लोकसभा या राज्यसभा चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल करने के बाद निर्वाचन आयोग एक सत्यापित खाता आवंटित करता है और इसी खाते के माध्यम से किसी भी चुनावी बॉन्ड का लेन देन किया जाता है।
हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के लिए एक लड़ाकू जहाज लॉन्च किया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को 3 युद्धपोत और भेजने वाला है। दरअसल हाल के एक समारोह में चीन ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाया गया एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। यह चीन द्वारा बनाया गया किसी देश के लिए सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने चाइनीज कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ टाइप 054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। साल 2021 तक पाकिस्तान की नौसेना में इस श्रेणी के 3 और युद्धपोत शामिल हो जाएंगे। टाइप 054 श्रेणी का यह युद्धपोत नए सतही हथियारों, एंटी एयर हथियार प्रणाली, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर्स आदि से लैस है। पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होकर यह पाकिस्तान के पास उपलब्ध तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक होगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि टाइप 054 श्रेणी का युद्धपोत चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में कार्य करने वाले सबसे बेहतर युद्धपोतों में से एक है। बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में ई सिम का दुरुपयोग होने से एक बार फिर इंटरनेट और साइबर सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठने लगे। दरअसल हाल ही में हरियाणा पुलिस ने 300 से ज़्यादा बैंक खातों से जुड़ी एक बहुराज्यीय बैंक धोखाधड़ी के मामले में ई सिम के प्रयोग की बात माना। इस प्रकार के मामले पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंधित हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब इर्दुगान ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस की खोज की है। राष्ट्रपति इर्दुगान ने जानकारी देते हुए कहा कि फतेह नाम के ड्रिलिंग जहाज की मदद से खोजा गया यह गैस भंडार तकरीबन 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। साल 2023 में तुर्की एक गणतांत्रिक देश के रूप में 100 वर्षों का सफ़र पूरा करने के मौके पर इस गैस भंडार का उपयोग करेगा। यह गैस भंडार तुर्की के तट से तकरीबन 100 नॉटिकल मील उत्तर में काला सागर क्षेत्र में मौजूद है। यहां के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह भंडार पानी के स्तर से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। यहां से गैस निकालने के लिए समुद्र की तली से तकरीबन 1400 मीटर नीचे तक ड्रिलिंग की जाएगी। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। दरअसल 24 अगस्त को शुरू की गई यह रोपवे सेवा गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। इससे न सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़कर लोगों को आवागमन की सुविधा दी जाएगी, बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। दरअसल WHO ने अफ्रीका के आखिरी देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद 25 अगस्त को पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया। अभी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो का वायरस बचा था, लेकिन बीते 4 सालों से पोलियो का एक भी मामला नहीं देखने को मिला। इस बाबत WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। गौरतलब है कि WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल यानी GPI की शुरुआत की थी। पहल की शुरुआत से लेकर अब तक कमोबेश पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म किया जा चुका है। अफ्रीका के पोलियो मुक्त होने के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश हैं जहां पोलियो के वायरस सक्रिय हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक संपन्न हुई। यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री ने सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने हाल में किए गए द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा की और सुनहरे भविष्य को लेकर चर्चा भी किया। 26 अगस्त 2020 को सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस के साथ मिलकर निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया। इस सूचकांक में जहां गुजरात शीर्ष पर है, तो वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 6 तटीय राज्य मसलन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल शीर्ष 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में सफल रहे।
नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सूचकांक के मुताबिक अन्य लिहाज से राज्यवार नजर डाला जाए तो पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा तो त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश भी दूसरे और तीसरे स्थान पर नजर आए। भूमि से घिरे राज्यों में जहां राजस्थान शीर्ष पर रहा तो इसी लिहाज से दूसरे और तीसरे स्थान पर तेलंगाना और हरियाणा रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर काबिज रहा तो गोवा और चंडीगढ़ भी दूसरे और तीसरे पायदान पर नजर आए। मैदानी इलाके के छत्तीसगढ़ और झारखंड की तारीफ की गई जहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए गए। नीति आयोग ने समान रूप से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के लिए सुझाव दिया कि ऐसे राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह कदम उठा सकते हैं। गौरतलब है कि निर्यात तत्परता सूचकांक में नीति आयोग ने राज्यों को चार महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर रैंकिंग दी है, मसलन निर्यात को लेकर राज्यों की नीति, व्यावसायिक अनुकूलता, निर्यात से जुड़ा पूरा तंत्र और निर्यात क्षेत्र में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे। अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान सरकार की वित्तीय समावेशन योजना को आगे बढ़ाने में राजीव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 23 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री ने नुआखाई जुहार के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नुआखाई जुहार एक कृषि उत्सव है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंटवाट भी कहा जाता है। डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई। यह सहमति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक बैठक में बनी। इस बैठक में चारों देशों के विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इस डॉल्फिन के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा किया। डॉल्फिन एक विशेष प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। यह प्रजाति तेजी से विलुप्त हो रही है। बैठक में विशेषज्ञों का मानना था कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप के साथ सामुदायिक भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने बैठक में छात्रों को डॉल्फिन के बारे में जानकारी देने और इस बारे में समग्र जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी NFL ने नोएडा के अपने कारपोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों पर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग प्रदर्शित की है। आपको बता दें कि वारली पेंटिंग की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है और यह उत्तरी सह्याद्री में व्यापक रूप से वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। वारली पेंटिंग के मुख्य आकर्षण उसके प्राकृतिक तत्व होते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में चावल का पेस्ट, गोंद और जल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने बेरोजगारी लाभ योजना यानी अटल व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। अटल व्यक्ति कल्याण योजना को कर्मचारी बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1998 के तहत लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट या घरेलू संकट के कारण अपनी नौकरी खो चुके हैं। वर्तमान में रोजगार पैटर्न में बदलाव कोविड-19 के कारण आया है। इस योजना को वर्ष 2018 में पेश किया गया था। हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप में लोगों के व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक नई ओपन API सर्विस की शुरुआत किया गया। आरोग्य सेतु ऐप की ओपन API सर्विस का लाभ वे संगठन और व्यावसायिक संस्थान ले सकते हैं जो 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में पंजीकृत हैं और वे रियल टाइम में आरोग्य सेतु में पता लगाने तथा अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान किए हैं। ओपन API सर्विस केवल आरोग्य सेतु स्टेट्स एवं आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता का नाम उपयोगकर्ता की सहमति से प्रदान करेगा। ओपन API सर्विस के माध्यम से कोई अन्य व्यक्तिगत डाटा प्रदान नहीं किया जाएगा। कोविड-19 से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था।
केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर यानी NCT की स्थापना किया है। NCT का गठन ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। NCT सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजना तैयार करने के लिए सलाह देगी। साथ ही परिषद ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियां और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उसकी निगरानी भी करेगी। हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी MCWC में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने यह स्वर्ण पदक लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट ओलंपिक यानी MSO में जीता है। उन्हें दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर माना गया। भानु ने इस प्रतियोगिता में शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेसवर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक सूक्ष्म शैवाल से कम लागत वाले बायोडीजल का विकास कर रहे हैं। विश्वभर में तेजी से कम हो रहे पेट्रोलियम ईंधन को देखते हुए तिरुचिरापल्ली स्थित IIT शोधकर्ताओं ने नवीकरणीय एवं सतत स्रोतों से वैकल्पिक ईंधन की खोज शुरू कर दिया। इसके लिए जैव ईंधन के उत्पादन के लिए सूक्ष्म शैवाल के उपयोग को बढ़ावा देने पर पूरा जोर है। देश में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए क्रिकेटर रोहित शर्मा सहित 5 नामों की घोषणा कर दिया गया है। रोहित शर्मा के अलावा महिला पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा ओलंपिक टी मरियप्पन का नाम शामिल है। रोहित शर्मा यह पुरस्कार पाने वाले 4th क्रिकेटर हैं। रोहित से पहले इस पुरस्कार को सचिन, धोनी और कोहली को दिया जा चुका है। वहीं अर्जुन पुरस्कार के लिए 27 नामों की सिफारिश की गई। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक हरित पथ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नई हरित राजमार्ग नीति में वृक्षारोपण की समीक्षा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देश में सड़क निर्माण में आधुनिक एवं हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया। हरित पथ मोबाइल ऐप सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक वृक्ष के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों में से प्रस्थान विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को 24 अगस्त को मंजूरी दिया। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है। यह सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य करता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर दिए गए रिपोर्ट को नकार दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि साल 2024 तक वायु प्रदूषण में 20-50% की कमी आएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने NGT को बताया कि वायु गुणवत्ता के स्तर पर तकनीकी एवं नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से एक मध्यावधि सर्वव्यापी समीक्षा की जा सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने लोगों में कोरोना एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सीरो सर्वेक्षण कराने के लिए सरकार से सिफारिश किया है। हाल ही में महानगरों में किए गए इस तरह के सर्वेक्षण कोरोना वायरस के गतिविधियों और उनकी संरचना को समझने में लाभदायक साबित हुआ। सीरो सर्वेक्षण में लोगों के ब्लड सैंपल की जाँच करके किसी आबादी में या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिसमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटीबॉडी यानी उस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। यह शरीर के वर्तमान संक्रमण का पता लगाने में काम नहीं आता, बल्कि यह पूर्व में हुए संक्रमण का पता लगाने का काम करता है।
21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस के कारण स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई। वेस्ट नील वायरस पहली बार साल 1937 में युगांडा में खोजा गया था। यह पक्षियों में पाया जाता है और मच्छरों से मानव में फैलता है। वेस्ट नील वायरस एक आरएनए वायरस है जो वेस्ट नाइल बुखार का कारण बनता है। यह वायरस फ्लोवी वीरेडे परिवार से संबंधित है। इसी परिवार से जीका वायरस, येलो फीवर वायर और डेंगू वायरस भी संबंधित हैं। इस वायरस को अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त और उनके ऊतकों से भी प्रेषित किया जा सकता है। इसके प्राथमिक सोर्स पक्षी हैं। हाल ही में 22 अगस्त 2020 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। प्रत्येक वर्ष जब प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है, तब अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का विस्तृत रूप से पुनर्गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोक प्रशासन में सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। भारत सरकार के कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के नियमानुसार इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर और व्यापक किया गया है। इसे इस आशय से किया गया ताकि जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में उन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से मंजूरी मिली है। प्राचीन स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहर के प्रबंधन में सुधार के लिए यह फैसला लिया गया। इससे पहले देश में 29 ASI सर्कल थे। नवस्थापित ये 7 सर्कल मध्य प्रदेश के जबलपुर, तमिलनाडु के त्रिची, उत्तर प्रदेश के झांसी और मेरठ, कर्नाटक के हम्पी, पश्चिम बंगाल के रायगंज और गुजरात के राजकोट में बनाए गए हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु पहले से ही ASI का चेन्नई सर्कल था, फिर भी तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां चोल साम्राज्य का महान इतिहास मौजूद है, वहीं हजारों बृहद मंदिरों का धरोहर भी। चेन्नई सर्कल के साथ त्रिची को नया सर्कल बनाया गया जो तमिलनाडु जैसे बृहद राज्य में भौगोलिक असुविधा को समाप्त करेगा। हाल ही में उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के गोटमारा नेशनल पार्क में भारतीय बाइसन यानी भारतीय गौर का शव मिला। इसका वैज्ञानिक नाम बोस गोरस है जबकि स्थानीय नाम गौर। यह मूल रूप से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले लोम यानी बालों से ढका गोजातीय पशु है। वर्तमान समय में इसकी आबादी भारत में ज़्यादा पाई जाती है। साल 1986 से यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है। गोटमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में अवस्थित है। यह पार्क मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग गोर्डो साहसिक पुरस्कार 2019 जीता। भारतीय वायुसेना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से यह विशेष पुरस्कार जीतने पर विंग कमांडर यादव को बधाई दी। गजानंद यादव भारतीय वायुसेना में पैराशूट जंग प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काई ड्राइविंग टीम आकाश गंगा के भी सदस्य हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्थानीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हनी मिशन योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सहारनपुर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने प्रवासी मजदूरों को मधुमक्खी पालन के लिए 700 बक्से वितरित किए। COVID-19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में ये प्रवासी श्रमिक देश के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली इत्यादि शहरों में फंस गए थे और हाल ही में अपने गृह राज्य को लौटे हैं।
20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार परिचालन प्रारंभ किया। 27 अगस्त और 3 सितंबर को दो चरणों में नीलामी आयोजित की जाएगी। नीलामी के पहले चरण में 2024 से 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को RBI खरीदेगा। साथ ही रिजर्व बैंक इस वर्ष अक्टूबर और नवम्बर में परिपक्व हो रही प्रतिभूतियों को बेचेगा भी। सरकारी प्रतिभूतियों की एक ही समय में खरीद और बिक्री कार्यक्रम में लंबी परिपक्वता समय वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और समान मूल्य वाली लघु भाव अवधि की प्रतिभूतियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार दो श्रेणियों, बाल शांति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में यह पुरस्कार प्रदान करते हैं। बाल शांति पुरस्कार के विजेता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेते हैं। अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.93 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 535.25 अरब डॉलर पर आ गया। अब भारत विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार को आरक्षित परिसंपत्ति भी कहा जाता है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंक की जमा पूंजी, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। यह अकादमी संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना देते हुए संस्थान की प्रवक्ता ने कहा कि यह अकादमी युवाओं में प्रयोग एवं नवाचार के गुण विकसित करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। 25 अगस्त को रूस की राजधानी मास्को में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन इसके रक्षा मंत्रालय ने किया था, जो 25 अगस्त से प्रारंभ होकर 29 अगस्त तक चलेगा। भारत ने अपनी रक्षा उत्पादन के संबंध में अपनी जानकारियां इस पवेलियन के माध्यम से दी है। इस फोरम में तकरीबन 730 से ज़्यादा रूसी हथियार और रक्षा उपकरण प्रदर्शन के लिए रखे गए थे और इसमें विश्व के करीब 70 देशों ने भाग लिया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात कही। दरअसल शिंजो आबे कई सालों से अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या से परेशान हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हाल में उनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है। आबे का कार्यकाल सितंबर 2021 में खत्म होने वाला था। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत की एक गंभीर बीमारी है, जिसमें आंत की अंदरूनी परत में सूजन और जलन होती है। इसके चलते पेट संबंधी बीमारियों और फिर पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। सही समय पर इलाज न होने से कोलोरेक्टल या मल नाली कैंसर होने की संभावना होती है। शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मोरी गुट के सदस्य हैं। इस गुट का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिरो मोरी करते थे। शिंजो आबे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए जाना जाता है। फिलहाल 8 PM न्यूज बुलेटिन के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।